बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर नाइन्थ क्लास. टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ बायोएनर्जेटिक्स. सो स्टूडेंट्स, वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक. दैट्स मीन सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. Synthesis of which thing? Synthesis of glucose in the presence of light is called as photosynthesis. So photosynthesis is a process in which synthesis of glucose occurs from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. Basically, photosynthesis is an anabolic process and it is an important component of bioenergetics इन लिविंग सिस्टम्स. स्टूडेंट्स, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना. इसका ये मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट की मौजूदगी में बनाना, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू सिंथेसिस. और सिंथेसिस हम किस चीज़ की कर रहे हैं? सिंथेसिस स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ग्लूकोज की. ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए. द फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन वाटर. अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं और वाटर वो कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स वो एयर से लेते हैं और वाटर जो है वो सॉइल से लेते हैं. और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है. और फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मींस के एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं. लाइक उसमें ग्लूकोज बना है, ठीक है ना. स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो उनसे लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जो कि हमारे पास ग्लूकोज है. नाउ वी विल डिस्कस द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 12 ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड द फिनोमेना इज हैपनिंग इन द क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड. ग्लूकोज इज आवर प्रोडक्ट वाइल दैट ऑक्सीजन एंड वाटर इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल में ये प्रोसेस हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज हमारी प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो इस प्रोसेस में हमारे पास बाय प्रोडक्ट हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिवन एज इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हैव मैकेनिज्म फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स. Water present in the soil is absorbed by roots and root hairs through osmosis. The water is eventually transported to leaves through xylem vessels. The air that enters leaf through tiny pores reaches into the air spaces present around mesophyll cells. This air carries carbon dioxide which gets absorbed in the thin layer of water सराउंडिंग मेजोफिल सेल्स. फ्राम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन टू द मेजोफिल सेल्स. अगर हम इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो स्टूडेंट सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स जो हैं वो रूट्स की हेल्प से और रूट हेयर्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो वट इज़ ऑस्मोसिस? बेसिकली ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम अ डायल्यूट सोल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड वन थ्रू अ मेम्ब्रेन. What is osmosis? Movement of water from a dilute solution to the concentrated one through a membrane. This phenomena is called as osmosis. And plant absorb water with the help of roots and root hairs in the process of osmosis. This water is eventually transported to leaves through xylem vessels. स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं वो वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट की मदद से, रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. अब ये वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, लीव्स तक चला जाता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़. उन टिश्यूज़ को हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, उन टिश्यूज़ को जाइलम वेसल्स कह लें, जाइलम टिश्यूज़ कह लें, एक ही बात है. उसके बाद जी एयर जो एंटर होती है,
एयर प्लांट्स के अंदर जो है टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स के ऊपर, उनके थ्रू एयर जो है वो एंटर हो जाती है लीव्स में, और वो कहाँ चली जाती है, मीजोफिल सेल्स में। अब मीजोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद प्लांट इसे यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स यूज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ग्लूकोज बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो क्लिप से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Bye.
Now students, mark the short question related to photosynthesis. So the question will be, what is photosynthesis? The answer of this question will start from here and ends at this point, and as well as this equation will also be mentioned in the answer of this question. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि फोटोसिंथेसिस क्या है या फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में आप ये इक्वेशन भी इसके आंसर में लिखेंगे.